खबर आपको बता रहा है रायपुर से, जहां सीएम हाउस पर पार्षदों का जमावड़ा लगने शुरू हुआ है। थोड़ी ही देर में पार्षदों की बैठक लेंगे सीएम बघेल। बैठक में महापौर को लेकर खासी चर्चा होगी। कांग्रेस के 34 पार्षदों ने दर्ज की है जीत, लिहाजा मन्नू यादव, जितेन राजवाल, संध्या नानी ठाकुर, वीरेन्द्र देवांगन, अमर बंसल को छोड़कर सभी 6 निर्दलीय पहुंचे हैं सीएम हाउस पर। यानी बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और महापौर को लेकर सभी कांग्रेस पार्षद मिलकर बैठक में ये नतीजा निकालेंगे कि किसे महापौर बनाया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ बड़ा संवाददाता रूपेश गुप्ता फोन लाइन से जुड़ गए। रूपेश, बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको। अमर बंसल के अलावा जो नाम आपने लिए हैं वो तमाम नाम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये लोग सुबह से एक होटल में थे, कल रात को इनको संपर्क किया गया। अमर अग्रवाल जो हैं निर्दलीय विधायक, वो इनको लीड कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत कराई और 6 जो निर्दलीय पार्षद हैं वो कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं। एजाज ठेबर जो कि महापौर के प्रत्याशी हैं, उनके साथ ये कार में सीएम हाउस पहुंचे और सीएम हाउस में फिर इन लोगों ने कांग्रेस पार्षदों के साथ एंट्री ली है। तो माना ये जा रहा है कि एक जो सवाल था कि कांग्रेस को कौन कौन से निर्दलीय पार्षदों का सपोर्ट मिलेगा, उसका आंसर मिल गया है। अब बड़ा सवाल है कि मेयर कौन होगा। तो क्या हम एजाज ढेबर को इस जिम्मेदारी को उठाने और उसको सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने को एक संकेत की तरह देखें? अगर संकेत की तरह देखते हैं तो लगता है कि एजाज ढेबर मेयर होंगे, लेकिन चूंकि एजाज ठेबर सीएम के करीबी रहे हैं और किस तरह से काम करना है, सीएम क्या चाहते हैं, इस चीज को भलीभांति समझते हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ उनको ये जिम्मेदारी दी गई हो, इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया। बहरहाल, इन सब सवालों के बीच में थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन महापौर बनने को लेकर इर्द गिर्द ऐसे कौन से महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं, यानी खासियत खास तौर पर कौन से नाम हैं जो महापौर के लिए आगे आ रहे हैं? देखिए, जो नाम है वो मुख्य रूप से माना ये जा रहा था पहले कि प्रमोद दुबे जो की मौजूदा मेयर है वो है, और एजाज ठेबर जिनको सीएम का करीबी बताया जाता है। लेकिन दो नाम और आए, श्री कुमार मेनन जो कि विधायकों की सबसे ज्यादा पसंद है, और दूसरा नाम ज्ञानेश शर्मा जो कि लंबे समय से पार्षद रहे हैं और जमीन पर अच्छी पकड़ है, नगर निगम की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा एक और नाम है, वो नाम है अजीत कुकरेजा का जो कि युवा चेहरा है और रायपुर उत्तर का टिकट मिलते मिलते जिनको रह गया था, मिल नहीं पाया था। तो उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं 5 में से कोई नाम होगा या चौंकाने वाले नाम के रूप में कोई नया नाम सामने आ जाए तो हैरान होने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रूपेश। बड़वानी के किसान मिर्ची के भाव में